सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। आज के जो वीडियो में असम राइफल नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर के जो खास जो न्यूज हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। केंद्र ने जो है मणिपुर से दो असम राइफल की बटालियनों को जम्मू कश्मीर में अति संवेदनशील जो आतंकवाद प्रभावित इलाकों में एलओसी के नज़दीक तैनात करने का आदेश दिया है। जैसा कि पहले से ही असम राइफल की कई बटालियनों ने, जिसमें कि एक महिला बटालियन भी शामिल है, जम्मू कश्मीर के आतंकवाद क्षेत्र और एलओसी में अपनी सेवा दे रही है और इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक जम्मू क्षेत्र के जो 6 जिलों में 14 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। माना जा रहा है कि घुसपैठिए जो अभी नए आए हैं वो काफी खतरनाक हथियारों से लैस हैं। तो असम राइफल की जो ये हमारी दो बटालियन है यहाँ पर जा रही हैं, आशा है ये एक असम राइफल की समस्या के लिए के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1990 के दशक में जो 90 से 98 तक जो असम राइफल की 8 बटालियन असम राइफल की जो है जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय रही और एक नया इतिहास उन्होंने रचा था, खासकर इसमें 7 असम राइफल और 26 असम राइफल ने नया इतिहास रचा था। वहाँ पे आतंकवाद में जो सफलता जो मिली थी, जो कई खूंखार आतंकवादी जिसमें मारे गए थे और सैकड़ों मात्रा में AK-47 और अन्य बड़े हथियार बरामद किए गए थे, तो श्रीनगर 3 अगस्त केंद्र ने जो है शनिवार को जम्मू क्षेत्र में असम राइफल की 2 बटालियन करीब 2000 से ज्यादा जवान तैनात करने का नया आदेश दिया है, जहां हाल के महीनों में आतंकवादी हमलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। यह कदम केंद्र द्वारा हाल ही में जम्मू में हुए हमलों की पृष्ठभूमि में जो उड़ीसा से 2000 से अधिक BSF जवानों को भी क्षेत्र में भेजने के लिए भेजे थे। जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद, जिसे लगभग 15 साल पहले आतंकवाद मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था, सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी प्रतिक्रिया के लिए संघर्ष करना पड़ा है और माना जाता है कि लगभग 50 ऐसा जो खुफिया जो जानकारी मिली है कि 50 प्रशिक्षित पाकिस्तानी पाकिस्तान स्थित लड़ाके जो है जम्मू के ऊपरी इलाकों में घुसपैठ कर चुके हैं, जिसमें डोडा, राजौरी, उधमपुर और अन्य निकटवर्ती क्षेत्र शामिल हैं। तो अतिरिक्त सैनिकों को जो तैनात करने के लिए कदम को अन्यथा शांत जम्मू क्षेत्र में एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है और एक सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेटा के मुताबिक सशस्त्र युद्ध में अत्यधिक कुशल होने के अलावा घुसपैठ करने वाले जो आतंकवादियों के पास कुछ अत्याधुनिक हथियार और परिष्कृत हथियार भी हैं, जिसमें नाइट विजन डिवाइस से लैस US निर्मित M4 कार्बाइन राइफल शामिल है। इन उच्च प्रशिक्षित लड़ाकों को इस साल जून के पहले 3 हफ्तों में जो 9 सुरक्षा कर्मियों की हमारी जवानों की मौत के इन्हीं आतंकवादियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। 8 जुलाई को जम्मू के कठुआ इलाके में सेना के काफिले पर आतंकवादियों के हमले में 4 सैनिक मारे गए थे, जबकि 6 अन्य घायल हो गए थे। इस साल हताहतों की जो संख्या है वो तेजी से 2023 में दर्ज की गई मौतों की संख्या के करीब पहुंच गई, जिसमें 20 सैनिक मारे गए थे। सेना के जो सूत्रों को आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के विशेष सेवा समूह SSG के शामिल होने का भी संदेह है।
जो पाकिस्तानी SSG है, सेना की जो खुफिया जानकारी सेना को प्राप्त हो चुकी है। पुंछ और राजौरी के अलावा कठुआ, उधमपुर और डोडा में भी हमले हुए हैं। सबसे हालिया घटना 15 जुलाई को जो डोडा के डेसा हिल्स में हुई, जहां एक कैप्टन समेत 4 सैनिक मारे गए थे। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक जम्मू क्षेत्र के 6 जिलों में 14 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें 11 जो हमारे जवान सुरक्षाकर्मी और एक विलेज डिफेंस गार्ड और 5 आतंकवादी समेत 27 लोगों की मौत हुई है। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास सैनिक जो है मणि से भी कई सैनिकों की मौत, आतंकवादियों की और सैनिकों की मौत हुई। मणिपुर के जो जिरीबम इलाके में भी गोलीबारी और आतंकवादियों द्वारा घटना करने की सूचना प्राप्त हुई है। तो ये वीडियो है और ये हमें जो नई जानकारी मिली, इसलिए हमने इसको बनाया। और असम राइफल के कई बटालियन पहले भी से भी जम्मू कश्मीर में तैनात है और हमें पूरी आशा है असम राइफल की जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था में सुधार ला करके जो है असम राइफल के लोगों को उनका जायज हक दिलाने में और असम राइफल के नमक नाम और निशान को वैल्यू देने के लिए उसका स्वाभिमान, असम राइफल के जो नाम को उसका स्वाभिमान, उसका आत्मसम्मान, उसका वास्तविक हक दिलाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है। जिस तरह से 90 के दशक में अगर ये हमारे जो असम राइफल के जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो लीडर लोग हैं, अगर उस समय ये किया होता, निश्चित तौर पे आर्मी को जम्मू कश्मीर मलेशिया की तरह आर्मी रेजिमेंट बनने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ये इतिहास है, इस इतिहास को हम मिटा नहीं सकते हैं। और एक तो मुझे आशा है अभी भी हम हमारे जवानों की, उनके उज्जवल भविष्य की, उनके सुरक्षित भविष्य की ईश्वर से कामना करते हैं और देश के लिए, असम राइफल के लिए आप लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। असम राइफल के लोगों को उनके जायज हक की आवाज को इससे और बल मिलेगा। आप लोगों की जो वीरता बहादुरी से, और यही बस, और आप लोग देश के लिए, असम राइफल के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। और ताकि देर नहीं होगी, भले अंधेर भी हो चुकी और अभी और ज़्यादा देर तक अंधेर नहीं होगी। ईश्वर के घर में न्याय होगा और इस को अभी हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इसको न्याय दिलाने के लिए इस आवाज को, इस एक पीड़ा की आवाज को, असम राइफल की आवाज को, उसको उसका समाधान के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, और बहुत सारे लोग आगे आएंगे आने वाले समय में। ये पूरा भरोसा है कि असम राइफल को उसका न्याय मिलेगा और समाधान होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।